केदला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केदड़। हाँ तो गाइस, इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पदरुल इंडियन सिनेमा में एक हाई अलर्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जिसका वेट फैंस भी कर रहे हैं, हेटर्स भी कर रहे हैं कि हर्ष भाई आओ, लाओ अपडेट, लाओ शूट का क्या है, कब तक रैप अप होने वाला है। तो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो शूट का जो अपडेट निकल कर आ रहा है रिलेवेंट इसके रैप अप के बारे में, ये एक्सक्लूसिव अपडेट निकल कर आ रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक तो करो यार, लाइक तो कर ही सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर भी तो होते हुए देखना है मुझे। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं ना, पर्सनली ये जो क्लाइमैक्स का जो शूट चल रहा है ना, लिटरली गाइस ये काफ़ी दिनों हुए, मतलब कि 30 से 35 दिन हो गए इसका क्लाइमेक्स का ही शूट चल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन को शूट किया जा रहा है। तो अब आप खुद सोचो, 35 डे प्लस हो गए हैं, तो मूवी की टीम डायरेक्टर सुकुमार सर, प्रोड्यूसर ने किस लेवल का भाई साहब, मतलब सोचो, अब आप एक बार माइंडसेट लगाओ, एक बार इमेजिन करो, पुष्पराज वर्सेस फहद फाजिल या फिर कोई भी विलन हो, तो अब आप खुद सोचो कि 35 डेज प्लस इसके हो गए, शूट कंटिन्यू चल रहा है, तो किस टाइप के पोर्शंस होने वाले हैं यार। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ किन लोगों के लिए लग रहा है? वो उन लोगों के लिए लग रहा है जो भी पुष्पदरुल को स्टॉक करने की कोशिश करे, पोक करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं यार मतलब कि यार नेगेटिविटी करने की कोशिश करे, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा हाई वोल्टेज करंट होने वाला है, जो कि होने वाला है। तो गाइस, एक्सक्लूसिव अपडेट जो निकल कर आ रही है पुष्पदरुल के शूट के रैप अप के बारे में, वो ये निकल कर आ रही है 25th ऑफ सितंबर तक इसका फुली शूट रैप अप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 25 सितंबर तक इसका जितना भी शूट है सारा रैप अप कर दिया जाएगा, फिर मूवी की टीम पोस्ट प्रोडक्शन पे लग जाएगी। ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन तो साथ में चल ही रहा है, लेकिन एक पावरफुल लेवल पे एक माइंडसेट होता ना कि भाई चलो यार शूट तो खत्म हुआ ना, तो भाई सब वो शूट खत्म होने के बाद डायरेक्ट मूवी की टीम एडिटिंग वर्क और भी काफी सारे पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और भी काफी सारे चीजें निपटाने वाली है, क्योंकि इस मंथ में मूवी की टीम को यात्रा वाला यानी कि थर्ड सिंगल का ऑफिशियल सॉन्ग का अनाउंसमेंट करना है। अब गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं ना, जिस तरह से अपने को यात्रा वाला टीजर देखने को मिला था, उस भाई उसका BGM DSP का स्पेशली भाई साहब, उसका BGM आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के जो कथक वाले स्टेप दिख, मतलब समझो यार, मेरी वाइफ को समझो, ऐसा मत। हाँ तो भाई, जो मैंने चीज़ देखी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कथक वाले स्टेप होने वाले हैं यात्रा वाले सॉन्ग के, उसी के साथ साथ उसी के अराउंड कुछ एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक अलग ही यूनिक साउंड करने वाला है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा सॉन्ग होने वाला है, मतलब कि सॉन्ग तो दो होने वाले हैं और उस दोनों सॉन्ग के अंदर वही सब फाइटिंग सीक्वेंस होने वाले हैं। तो मैं यात्रा सॉन्ग के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो आने वाला वो नहीं, जो थिएटर में देखने को मिलेगा वो वाला, क्योंकि पूरे के पूरे सॉन्ग में भाई साहब पूरा एक्शन सीक्वेंस, फाइटिंग सीक्वेंस होने वाला है, जहां पर आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर भाई साहब एक स्वैग डेडली और एक एनर्जेटिक बम फोड़ने वाले हैं फाइटिंग सीक्वेंस के मामले में। भाई जल्दी से फटाफट शूट रैप अप कर दो, हमें फाइनल टीजर देखना है, ट्रेलर वन देखना है, ट्रेलर टू देखना है, काफ़ी सारे सॉन्ग देखने, काफ़ी सारे मल्टीपल पोस्टर देखने, और जिसके लिए वेट मैं ही नहीं भाई सब कोई कर रहा है, क्योंकि अभी क्रेज इस तरह का चढ़ने वाला है पुष्पराज का कि चारों ओर पुष्पा 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 पुष्पराज, मतलब कि यही वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट होने वाला है। वैसे आप लोग बताओ, क्या लगता है पुष्पदरुल के शूट रैपअप के बारे में, इसके क्लाइमेक्स शूट के बारे में, क्या कुछ बड़ा लेवल पे बना रहे हैं या फिर कुछ और होने वाला है? यात्रा वाला सॉन्ग के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या लगता है उसके अनाउंसमेंट के बारे में, बताओ यार अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।